और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी से निकाले गए 9 विधायकों ने थोड़ी देर पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ये विधायक पहुंचे और मुलाकात के बाद पिछले दरवाजे से निकल गए। सूत्रों के मुताबिक 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस बीच अखिलेश यादव ने आज तक से कहा कि अगले चुनाव के लिए किसी बड़े दल से वो तालमेल नहीं करेंगे, छोटे दलों को साथ लेकर लड़ेंगे। तो मायावती के लिए एक झटका ये भले ही हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव यहां पर नई समीकरण को देख रहे हैं, तलाश रहे हैं। 2022 आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में हर पार्टी अपनी तरफ से नई रणनीति बना रही है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या बातचीत हुई, कौन थे वो विधायक? देखिए श्वेता, ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि बसपा के जो बागी विधायक थे वो कहीं जाने की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात की है। और हमारे साथ खुद अखिलेश यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो ये बसपा के बागी विधायक थे, इन्होंने मुलाकात की, आप क्या आगे संभावनाएं देखते हैं और क्या उम्मीद करके हैं? कई विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क में भी हैं, लोग उनसे मिलने भी रहे हैं। इसी सिलसिले में जो समाजवादी पार्टी में शामिल होने आने वाले समय में चाहते हैं कि पार्टी में शामिल हों, चुनाव लड़ें। ये एक लिस्ट है जिस लिस्ट में 6 लोगों के नाम दिए हैं, क्या ये लोग शामिल हो गए हैं और इसके अलावा इनके साथ और भी लोगों के आने की उम्मीद? ये शामिल होंगे कुछ समय बाद। अच्छा, तो जो बसपा के जो विधायक हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज के साथ आप संपर्क में हैं, क्या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं? कौन लोग हैं वो? छोटे दल तो आ ही रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में हैं कई विधायक, और समय आने पर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है और कौन कौन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी आप दिल्ली भी गए थे, क्या वो औपचारिक मुलाकात थी सिर्फ थी या इसका सियासी मायने भी है, क्योंकि बहुत से लोगों से मुलाकात की आपने, क्या वहां कुछ संभावना बनी है कि किसी तरीके से और गठबंधन की? समाजवादी पार्टी से लगातार कई दल मिल रहे हैं, अभी महान दल के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के गए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ वो आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आने वाले समय में क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो जो भी दल समाजवादी पार्टी के साथ आकर के चुनाव लड़ना चाहेंगे उन सबका स्वागत समाजवादी पार्टी करती है। एक बड़ा सवाल बार बार लगातार उठता रहा पिछले 4 सालों में कि शिवपाल यादव जी, आपके चाचा जी जो हैं, वो शामिल होंगे नहीं होंगे, उनसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या अभी आपने इसके बारे में बयान भी दिया है, क्या आप देखते हैं संभावना? समाजवादी पार्टी से जो भी गठबंधन करना चाहेगा छोटे दल, उन सबका स्वागत है। चाचा का भी एक दल है, जसवंत नगर सीट से कोई समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं लड़ेगा। आने वाले समय में उनके दल से भी गठबंधन कैसे होगा, क्या होगा, वो समय बता देगा। अच्छा, एक और चीज, जो इस वक्त सरकार की हालत है उत्तर प्रदेश में और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आप क्या देखते हैं, समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की तरह पिछली बार की तरह आएगी और या फिर इस बार कुछ और नया चमत्कार करने की उम्मीद करते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां हैं, कानून व्यवस्था बर्बाद कर दी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, इतने बड़े पैमाने पे बेईमानी कभी नहीं देखी गई होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखी गई। पूरा विकास ठप हो गया और हाल में जो कोविड का समय था कि लोग अपनी तकलीफों में परेशानी में खुद सिलेंडर ढूंढ रहे, अस्पताल में बेड नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली और जो जरूरत की चीजें भी थी, ऑक्सीमीटर जैसी चीजों पे कितना बड़े पैमाने पे ब्लैक हुआ, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन थे वो अधिकारी बांट रहे थे, ऑक्सीजन अधिकारी बांट रहे थे। अगर अधिकारी बांटेंगे, सरकार बांटेगी, तो अस्पताल क्या करेंगे? तो अच्छा, जो सियासी संभावनाओं की बात है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर आना चाहते हैं, ओवैसी साहब आना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी संभावनाएं खुली हैं, कोई बातचीत हुई है, कोई दौर हुई? अभी किसी इन दल के किसी नेता से बात नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई दल बात करना चाहेगा, समाजवादी पार्टी के दरवाजे उन दलों के लिए खुले हैं। छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा, बड़े दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। एक आखिरी सवाल और, तमाम पार्टियां इस बात के दावे कर रही हैं कि इस बार चुनाव में वो इतनी सीटें लाएंगे, ऐसे लाएंगे, समाजवादी पार्टी का आकलन क्या? समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाई, और जो मैंने पहले कहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल मिलकर के जीतेंगे, बिल्कुल परिणाम आएगा, इसी तरह का परिणाम आएगा। और जब भारतीय जनता पार्टी
झूठ बोल करके, जनता को धोखा दे करके, जनता में नफरत फैलाकर अगर सीटें जीत सकती है तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश की जनता मतदान करेगी। चलिए, हर पार्टी जो है वो अपनी तरफ से नई रणनीति बना रही है 2022 के चुनाव को देख